ये देखिए जीप गाड़ी में नया सिस्टम फिटिंग कर रहे हैं। इसमें वायरिंग है, ये डिस्प्ले है, इसका कैन सिस्टम है, जो वायरिंग है, जो कपलर आता है इसका ओरिजिनल कपलर है, और इसका ब्रेक किट है। अब इस गाड़ी में फिटिंग करेंगे और इसका ओरिजिनल टेप इसमें ऐसा है, ये भी टेप चालू है, कोई दिक्कत नहीं है टेप में। देखिए ऐसा आता है डिस्प्ले, चालू है टेप, और इसको अपन टच स्क्रीन को लगाएंगे तो देखते हैं क्या आप फिटिंग करने का सिस्टम क्या है, क्या प्रोसीजर है। तो बने रहिए वीडियो में। ये सारा बॉक्स है, ये ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट है, तो चलिए फिटिंग करते हैं गाड़ी में। ये ब्रैकेट इसमें जाएगा, ये देखिए ब्रैकेट पहले बैठ गया। अब ब्रैकेट बैठने के बाद अब ये इस ब्रैकेट में बैठेगा, इसमें बैठेगा, देखिए इस तरह बैठेगा। पीछे से स्क्रू लगेगा, इसमें चार स्क्रू लगेगा, इसको निकालना है तो यहाँ से स्क्रू ड्राइवर डालेंगे और यहाँ से खींचेंगे तो ये निकल जाएगा आराम से, कोई स्क्रू पे फिटिंग नहीं है। ऐसे निकल जाता है जी, कोई दिक्कत नहीं है इसको। और इसका ग्रिल निकाल के इसमें लगाना पड़ेगा अपने को। ये देखिए डिस्प्ले चालू हो गया, फंक्शन सभी चालू हो गए हैं। देखिए मगर इसमें भी क्या प्रॉब्लम आ रहा है, रिवर्स कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, समझे। अभी मैं गियर में डालूंगा, जबकि मैंने यहाँ से सब दे दिया है कनेक्शन, मगर जैसे इसको रिवर्स में डालूंगा, एक मिनट, ये देखिए मैंने रिवर्स में डाला, कोई यहाँ पे स्क्रीन नहीं आ रहा है रिवर्स का, जबकि मैंने रिवर्स में डाला हुआ है गियर, तो ये नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? इसका वायरिंग का ही प्रॉब्लम है। तो इसका रिवर्स का वायरिंग कौन सा है इसमें समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको बता दूँ। ये देखिए यहाँ रहता है पीछे साइड में, पहले गाड़ी को न्यूट्रल करते हैं। ये देखिए ये इसका कैन बॉक्स, इसको कैन बॉक्स बोलते हैं, इसको सप्लाई देना पड़ेगा आपको। और सप्लाई देने के लिए ये आपका जो मेन कपलर है, मेन जो कपलर है, ये देखिए मेन जो कपलर है ब्लैक, रेड और ये ब्राउन, देख रहे हैं ब्राउन, ये ब्राउन कलर यहाँ से लेके कैन बॉक्स में आता है, बराबर। देखिए ये ब्राउन कलर का वायर है, ये वायर आया हुआ है, तो कभी भी ये कलर चेंज भी हो सकता है, कन्फ्यूजन यही होता है, कभी कभी कलर चेंज कर देता है। तो ये ब्लैक, रेड और ये ब्राउन, तो ब्राउन का जगह पिंक भी हो सकता है, तो पिंक रहेगा तो पिंक में आपको कट करना पड़ेगा और यहाँ से इसको कट करना है, इसको यहाँ से ऐसा, तो देखिए जो वायर है ऑरेंज कलर का कैन बॉक्स में जाता है और टेप में, दोनों में जॉइंट होना चाहिए। जॉइंट में करके यहाँ से एक वायर निकाल के जो कैमरा का ये वायर है इसमें आपको देना है, और इसमें आपको पीछे साइड से रिवर्स लाइट में देना है। जब आप रिवर्स लाइट और गियर में डालेंगे तो इसमें करंट आना चाहिए। तो यह इसका कनेक्शन, एक बार और आपको समझा दूँ, बता दूँ। ये देखिए ये
सॉकेट ऐसा रखना है आपको, ब्लैक और रेड और ये आपको जो कलर है ये ही रिवर्स का वायर आता है, तीसरा कलर, कभी कोई चौथा भी रह सकता है, इसी में आपको रिवर्स का कनेक्शन देना है। और ये यहाँ से और कैन बॉक्स में सप्लाई आता है इसका, देख ये ध्यान में रहना चाहिए कि जो वायर यहाँ से लेके कैन बॉक्स में आता है उसी में कनेक्शन आपको देना है। कैन बॉक्स में सप्लाई कहाँ आ रहा है इसका, देखिए रेड के बगल में, ये है इसका कैन बॉक्स। ये देखिए सारे कनेक्शन हो गया, इसमें माइक का आता है वायर जो कि माइक में यहाँ लगाया हुआ हूँ, और यहाँ GPS लगा दिया हूँ, देखिए GPS का कनेक्शन इसमें आता है, देखिए ये है। और आपको कैमरा का जो वीडियो का वायर है ये वाला सिस्टम, ये पिन में लगता है, जो दो फालतू वायर है इसको कनेक्शन नहीं देना है। ये देखिए ये चालू हो गया है, देख ये देखिए दरवाज़ा खुला है, दरवाजे का लाइट आ रहा है, बंद करूँगा बंद हो जाएगा। और देखिए अभी रिवर्स डालूँगा, देखिए रिवर्स ऑन हो गया। लेफ्ट साइड का दरवाज़ा खोलूँगा तो लेफ्ट साइड का लाइट दिखाया गया यहाँ पे, ये देखिए लेफ्ट का दिखा रहा है लाइट दरवाजे का। कॉल का यहाँ से बटन दबाऊंगा, कॉल का बटन दबाऊंगा, ये देखिए यहाँ से स्पेयरिंग चालू हो जाता है, सब सिस्टम है इसमें, देखिए ऑफ ऑन यहाँ से दबा रहा हूँ, वॉल्यूम का बढ़ रहा है। ये थी जीप कंपास, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, कुछ दिक्कत रहेगा तो मैं हेल्प करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेप का फिटिंग, वायरिंग कनेक्शन, सिस्टम सेटिंग सब बताया मैंने इस वीडियो में, फिर भी किसी को कुछ जानकारी चाहिए तो मैं हेल्प करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।